हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, यानी बिहार यूनिवर्सिटी ने मॉडल पेपर एक पैटर्न जारी किया है जिसके द्वारा आप लोग एग्जाम देख सकते हैं कि ये पता कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं, केमेस्ट्री का दिया हुआ है जो कि आपका पार्ट वन का है और ये कोर्स आपका बीएससी सब्सिडी का है। अब ये वीडियो किन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो भी जिनका भी सेशन 2000 यहाँ पे 2019 से 2022 का है या फिर यहाँ पे 20 से 23 का है, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप लोग को बाद में प्रॉब्लम होगा। हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी सारा का सारा क्वेश्चन या फिर 50 से 80% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही उठा के दे दे। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्यूशन पूरा देखिए और उसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या है, तो मैं बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपका इसमें जो है हमने 25 क्वेश्चन यानी गैसियस स्टेट जो कि फर्स्ट चैप्टर है इसका 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 से है। तो क्वेश्चन नंबर हम 26 पे जाते हैं और वहां से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुँच गए। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ किसको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज नोन एज। किसी भी स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है पॉइंट्स का उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट सेल, उसके बाद मोटिव, क्रिस्टल लैटिस और नेट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी भी यहाँ पे पैरामीटर्स किसी भी यहाँ पे यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है जो कि आपका नंबर में 6 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए क्रिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है थर्मो डायनेमिक्स और ऑप्शन सी है केमिकल काइनेटिक्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मिलर्स इंडिसेस आर यूज्ड टू। तो डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ ऑल एटम्स इन सॉलिड्स ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिलर्स इंडिसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है और कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लास जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होकर वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसमें से कौन सा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है लिथियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है डायमंड। तो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डायमंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक सॉलिड। इसमें से कौन सा आयोनिक सॉलिड नहीं है। ऑप्शन ए है आयोडीन जो कि एक सॉलिड होता है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयोडीन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिड आयोडीन, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है ARS। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34,
34 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटेलिक सॉलिड, इसमें से कौन सा मेटेलिक सॉलिड है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है I2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा Cu। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितना होता है, 8 या 6 या 7 या 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इन रूटाइल स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटाइन इज, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है 7, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, इन ड्यूटाइल स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक क्रिस्टल हैज रूटाइल स्ट्रक्चर, इसमें से किसके पास रूटाइल स्ट्रक्चर है। ऑप्शन दिया हुआ है TiO2, CaF2, K2O, NaCl। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा TiO2। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक क्रिस्टल हैज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यहाँ पे TiO2, CaF2, K2O और NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दिया हुआ है, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, तो कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 या फिर 6 या 7 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ऑप्शन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 में थोड़ा कंफ्यूजन है, मे बी इसका आंसर बी होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में चेक करके बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, 42 का सॉल्यूशन मैं बाद में कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग एक बार हर वीडियो का कमेंट बॉक्स जरूर चेक करते रहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कटायन एनायन का ये शेप कैसे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8:6। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन इन रूटाइल स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6:3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम इन द सेम लेयर इज, तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन थ्री है 3, ऑप्शन फोर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ग्राफिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ रिएक्टिव बिकॉज
यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज़ फ्री प्रमोशन इन बिटवीन लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज़ न्यूट्रॉन्स इन बिटवीन लेयर स्ट्रक्चर, उसके बाद इट हैज़ फ्री फोटॉन्स बिटवीन लेयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में आप लोगों को आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप लोग को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो आप लोग उसको बाद में भी समझ सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं, या फिर आप लोग को सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो इससे अगर क्वेश्चन आता है सेम टू सेम तो अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला भी है तो वो आप लोग याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ग्राफिक इज अ सॉफ्ट सॉलिड बिकॉज, ऑप्शन ए है इच कार्बन एटम इज बाउंडेड विथ 4 कार्बन एटम, ऑप्शन बी है इच कार्बन एटम इज बाउंडेड विथ 2 कार्बन एटम, ऑप्शन सी है इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, तो यहाँ पे सिलिका ग्रेफाइट सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 और फिर 50। तो 49 में क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स इन ग्राफिक इज, ऑप्शन ए है 309 PM, ऑप्शन बी है 240 PM, ऑप्शन सी है 340 PM, ऑप्शन फोर है 440 PM। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 50 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 50 देखिए, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम इन द सेम लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज, तो यहाँ पे 170.5 PM, 141.5 PM, 160.5 PM, 205 PM। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहीं पे हमने टोटल केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। ऐसे करके हम लोग एक एक दिन गैप करके केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अगर कोई डाउट है इतने सारे क्वेश्चन में जो मैंने बताया तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझे उस वो प्रॉब्लम भेज सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह मैथ का आप लोग का ट्रिगो का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री है, अगर वो आपका सब्सिडी है तो आप रट सकते हैं, ऑनर्स भी है फिर भी आप रटने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन ये सब करना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।